अच्छा, जहां तक आप ये समझते हैं कि जनाब सारे अगर वहां पे हमने सिंधी भर दिए, ये सारे पंजाबी भर दिए, फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां बड़े आराम से ग्रुपिंग बन जाएगी। एक जट साहब की ग्रुपिंग बन जाएगी, एक मलिक साहब की ग्रुपिंग बन जाएगी, और दोनों लड़ रहे होंगे। तो ऐसी जगहों पे जहां पे डाइवर्सिटी नहीं है, वहां पे तो ग्रुपिंग आसान है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी है, तो वहां ग्रुपिंग नहीं हो सकती। इतने लोग ही नहीं है किसी बेसिस के ऊपर कि वो ग्रुपिंग कर सके। तो ग्रुपिंग नहीं होगी तो फाइट नहीं होगा, लोगों के पॉलिटिकल ग्रुप्स नहीं बनेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ ख्याल होना इज ब्यूटी, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है भाई। इसलिए कि उससे तो बिजनेस आइडियाज डेवलप होते हैं, नए आइडियाज आते हैं। और हर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और बाय नेचर ठीक आदमी है, यानी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको उसके लिए ये एक ब्लेसिंग है। और अमेरिका में तो डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइजेशंस में इम्पोज किया जा रहा है। यानी आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप जीता है, वो तो डाइवर्सिटी के अगेंस्ट प्रिंसिपल पे जीता है, जीत गया है। ये जो वहां पे चल रहा है नरेंद्र मोदी, वो डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। लेकिन ये चीजें स्टेबिलिटी नहीं लाती है, इन चीजों को दुनिया अप्रिशिएट नहीं करती है, उससे कोई इकोनॉमी को भी फायदा नहीं होता। नरेंद्र मोदी की वजह से क्या इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है? नहीं ग्रो कर रही, नहीं कर सकती। ये सब चीजें ग्रो करती है डाइवर्सिटी से। तो यूएई का तो के अंदर जो दंगा फसाद कम होता है, उसकी वजह बहरहाल के लैंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है। उसकी बड़ी वजह ये है कि वहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग यूएई में नजर आते हैं आप, और इस वजह से यूएई ग्रो कर रहे हैं। आप ये देखें कि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको आप कहते हैं, अमेरिका है या यूरोप है सारा या ऑस्ट्रेलिया है, ये मुसलसल इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं। जितने भी लोगों को बुला रहे हैं, वो कोई अपने क्रिश्चियंस को नहीं बुला रहे, मुसलमानों को बुला रहे हैं, हिंदुओं को बुला रहे हैं, बुद्धिस्ट को बुला रहे हैं, चाइनीज को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डाइवर्सिटी से ही ग्रो करेंगे। पहले जितने भी चोर बदमाश थे, उनको यूरोप वाले ले जाके फेंक देते थे अमेरिका में। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके, चूंकि अमेरिका ने तरक्की की, पूरी दुनिया से लोग उधर जाना शुरू हुए। अमेरिका के अच्छी खासी डाइवर्सिटी अमेरिका ने मेंटेन की थ्रू आउट, और अब भी कर रहे हैं, और यही उनकी तरक्की का राज है। जो नए लोग आते हैं, वो कुदरती बात है कि लोकल लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं। जब वो ज्यादा मेहनत करते हैं, इकोनॉमी फ्लरिश करती है। बहरहाल जो कंट्रोल है ना, वो तो बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, यूरोप में, अमेरिका में, जितने भी आईटी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, गोरे तो मुश्किल से 1% 2% होंगे, बाकी तो वही इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज हैं। और आईटी इंडस्ट्री उनकी ग्रो कर रही है जबरदस्त तरीके से। ये डाइवर्सिटी का हुस्न है। एक जैसे लोग कभी भी तरक्की नहीं ला सकते। उसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान बहुत अरसे तक एक जैसे लोग यहाँ पे रहे ना, फिर क्या हुआ, यहाँ मुसलमानों ने हमला किया। कुछ लोग इस बात को लाइक करते हैं, कुछ लोग इस बात को डिसलाइक करते हैं। बहरहाल उन लोगों ने जब हमला किया, तो नए सिस्टम्स लेकर के आए, इंडिया ने ग्रो किया। इस वक्त अंग्रेजों ने मुगलों से टेक ओवर किया, उस वक्त दुनिया की जीडीपी का 25% इंडिया दे रहा था, कंबाइंड इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब। उसके बाद मुगलों ने की एक ही जैसे सिस्टम, एक ही जैसे लोग, चीज तरक्की नहीं कर रही थी, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी, गोरे आए यहाँ पे। बाज अवकात आपको कुदरत बाय फोर्स चेंज पे मजबूर करती है। जब आप डाइवर्सिटी नहीं करते हैं, तो ऊपर से डाइवर्सिटी आती है कि अब आप डाइवर्सिटी करें। वो आए तो आपको रेल रोड सिस्टम दिया, आपको टेलीकम्युनिकेशन दिया, पोस्टल सर्विस सिस्टम दिया, रोड्स दिए, ब्रिजेस दिए, यानी कि नई टेक्नोलॉजी लेकर गए, मशीनें लगा करके दी आपको, चाहे अपने फायदे के लिए की, लेकिन चेंजेस आए ना। एंड मोस्ट ऑफ दोस चेंजेस वर फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। अफगानिस्तान उसके मुकाबले में पसमानदा इसलिए रह गया कि अफगानिस्तान में वो चेंजेस नहीं आए। तो डाइवर्सिटी से आया ना, या किसी और तरीके से आया।